गाजियाबाद की एसोटेक द नेस्ट सोसाइटी में तीन बच्चियों के लिफ्ट में फंसने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। लिफ्ट में फंसने की घटना 29 नवंबर शाम की है। इस घटना के बाद से सोसाइटी के लोग सहम गए हैं। वहीं इस मामले में बुधवार को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक में सोसाइटी की AOA अध्यक्ष चित्रा चतुर्वेदी और सचिव अभय झा के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। सोसाइटी के डी टावर में रहने वाले शिवम गहलोत ने बताया कि तीसरी क्लास में पढ़ने वाली उनकी बेटी तेजस्विनी 29 नवंबर को अपनी दोस्त मिशिका और वैदेही के साथ पार्क में जाने के लिए फ्लैट से निकली थी। तीनों ने 11वें तल से लिफ्ट में प्रवेश किया। आरोप है कि लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ लेकिन लिफ्ट नहीं चली। बच्चियों के चिल्लाने और लिफ्ट का दरवाजा पीटने की आवाज सुनकर फ्लोर पर रहने वाले लोगों ने मेंटेनेंस टीम को सूचना दी। शिवम का कहना है कि गार्ड के साथ लिफ्ट ऑपरेटरों ने भी इधर से उधर घूमने में कई मिनट खर्च कर दिए। करीब 25 मिनट बाद दरवाजा खुला, तब जाकर तीनों बच्चियों को निकाला गया। गनीमत थी कि लिफ्ट के अंदर की लाइट जल रही थी। बावजूद इसके तीनों बच्चियां काफी डरी हुई थीं। शिवम के मुताबिक AOA सोसाइटी में लंबे समय से मेंटेनेंस का काम देख रही हैं। बीते साल भी लिफ्ट के कई हादसे हो चुके हैं, बावजूद इसके लिफ्ट का रखरखाव ठीक प्रकार से नहीं किया जा रहा है। थाना प्रभारी क्रॉसिंग रिपब्लिक अब्दुल रहमान सिद्दीकी ने बताया कि शिकायत के आधार पर चित्रा चतुर्वेदी और अभय झा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। इस संबंध में चित्रा चतुर्वेदी को फोन किया तो उनका नंबर स्विच्ड ऑफ था। छानबीन कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।